मैंने परचेज करे ये वाले पर्दे, एक तो ये है रेड वाला ये, बट अभी देंगे ये तो 100 के लिए लगा रखे हैं अंकल ने दिखाने के लिए, और एक ये ब्लू वाला, ये पर्दे मैंने परचेज करे हैं। तो गाइज बस यही था, हमने अपना बेड लगा दिया रूम में, ये बेड तो लग चुका है, मस्त लग रहा है एकदम। तो भाई अभी थोड़ा ऐसे दिख रहा नाइट में, दिन में मैं दिखाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ हसनपुर, मतलब अपने रूम के लिए पर्दे लेने जा रहा हूँ मैं। मैंने पर्दों का ऑर्डर दिया था, 6-7 पर्दे हैं शायद, हाँ नहीं 7 ही हैं। तो मतलब ऑर्डर तो एक दो दिन पहले था, बट थोड़ा लेट हो गया, मैं आज लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मेला वेला गए थे ना हम, इसलिए मैं लेके नहीं आया था। तो फाइनली मैं लेने जा रहा हूँ आज पर्दे, तो आपको दिखाऊंगा, वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे आपको आगे, बहुत ही प्यारे पर्दे हैं। तो भाई रूम में लगाएंगे, तो मैं अभी तो दिखाऊंगा नहीं, वहाँ पर सिर्फ लेने चल रहे हैं अभी हम हसनपुर, वहाँ से लेके आके फिर रूम में लगाऊंगा, तब दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी चलते हैं हसनपुर पर्दे लेने के लिए। सो गाइज फाइनली चलते हैं हसनपुर। सो गाइज फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अभी हसनपुर, जहाँ से मुझे पर्दे लेने हैं, अंकल जी की शॉप है। तो भाई यहाँ पे आप पर्दे ले सकते हो आगे, जो मेरे यहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत बहुत अच्छे पर्दे मिलते हैं यहाँ पे, सारा कुछ मिलता है ना, बेड वेड के जो भी सामान है घर का, चादर है, कवर, हाँ मतलब कवर, पर्दे, हाँ जो भी मतलब घर का सामान, बेड, कंबल वगैरह सब मिलता है यहाँ पे। तो भाई यहाँ से आगे परचेज कर सकते हैं, जो मेरे यहाँ से बिलोंग करते हैं सभी। तो भाई मैंने परचेज करे हैं ये वाले पर्दे, एक तो ये है रेड वाला ये, बट अभी देंगे ये तो 100 के लिए लगा रखे हैं अंकल ने दिखाने के लिए, और एक ये ब्लू वाला, ये पर्दे मैंने परचेज करे हैं। तो भाई सारे पर्दे लगे हुए इधर, तो भाई यहाँ से परचेज कर सकते हो, जो मेरे यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो मेरे आसपास से रहने वाले हैं, तो हसनपुर से आगे इन अंकल की शॉप पे से आगे आप सब कुछ परचेज कर सकते हो, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। तो भाई अभी पर्दे लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा काम है मार्केट में वाला फिनिश करके फिर चलेंगे घर पे। तो भाई जी आ चुके हैं अपने पर्दे सारे भाई, तो घर पे दिखाऊंगा मैं आपको, तो मैं चेक करने यहाँ पे फिर लेके चल रहा हूँ, जब रूम में लग जाएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको सारा कुछ खोल के। तो भाई फाइनली अभी चलते हैं घर पे, पर्दे तो परचेज कर लिए, मैंने पे भी कर दिया है, तो अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मतलब सब्जी लेने घर के लिए, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। सो गाइज फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे अभी, तो भाई अभी पर्दा दिखाते हैं आपको, मतलब खोल के दिखा रहा हूँ मम्मी कैसे पर्दा है। मम्मी सब्जी बाद में देख लेना, पर्दे देखो कैसे हैं, पहले खोलिए पर्दा भी देखोगे। तो भाई कुछ खोलिए, ओए नीचे मत टिकाना ठीक है, मतलब ऊपर ही दिखो, खोलो। 8 पर्दे हैं ये, अभी एक और एक रह गया, अभी 9 पर्दे हैं सारे टोटल, खोल के बताओ, एक पर्दा खोल के देखो ना, ब्लू और एक पिंक, इसे खोलिए कुछ, नीचे ना टिके, ओए खोल खड़ा कर ऐसे ही, अरे ओए नीचे ना टिकना चाहिए बिल्कुल भी, पकड़ी सवानी पकड़ी, एक साइड में पकड़ियो, नीचे ना ठीक है, नहीं बिल्कुल भी नीचे नहीं जाए, गंदा हो जाएगा। तो गाइज ये देखो ब्लू कलर का, ये तो शायद अलमारी पे का दिखे, अलमारी का ये, हाँ ये अलमारी का, हाँ भाई ये तो अलमारी का ब्लू, और ये वाले दो ब्लू अलमारी के हैं, बाकी तो लगने के बाद दिखाएंगे आपको हम सारे। दे नीचे टिक गए मम्मी, देखो एक गेट का होगा बहुत खोला लंबा सा, देखो ये भी अलमारी का, ये दो तो अलमारी के ही हैं, ये वाला गेट का दिखे है, ये अलमारी के हैं शायद। तो गाइज आपको लगाने के बाद दिखाते हैं, अभी तो बस मम्मी को दिखाई दे, कैसे हैं मम्मी, मस्त है, ओए तय बना के रख, चलो रख दो ऐसे ही, अभी तो लगाएंगे ना, फिटिंग करेंगे। तो गाइज फिटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी दूसरे वाले ब्लॉग में। तो गाइज अभी पीते हैं चाय, क्योंकि चाय बन चुके, जब मैं हसनपुर गया था तो जब चाय बनाने रख दी थी मम्मी ने, क्योंकि भाई गले में पता नहीं क्या हो गया, दर्द सा हो रहा है, तो चाय पी के निकल जाएगा, तो अभी चाय पीते हैं, और बाकी लोग ये पर्दे देख रहे हैं अभी। सो गाइज हमने पर्दों की तय बना के रख दिया अभी, क्योंकि कल फिटिंग करेंगे ये, तो भाई अभी तो फिलहाल रखते हैं, तो पीते हैं अभी चाय। सो गाइज फाइनली चाय पी लिया, तो अभी चलते हैं दुकान पे पर्दे रखने हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम है। गाइज बताए मैं ना, मतलब जैसे चाय पीने के बाद खेत पे गया था, तो भाई मैं सोच रहा था समथिंग थोड़ी देर का काम है, एक दो घंटे का, वहाँ पूरा दिन ही निकल गया, मतलब सुबह से हम काम कर रहे हैं, गड्ढे खोदे थे, लौकी जो लगी हुई थी हमारी, वो जाल उखेड़ा था हमने, भाई पूरा दिन निकल गया, बट मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा, तो मैं आया हूँ अभी घर पे। तो भाई अभी खाना बन रहा है हमारा, क्या बना रही मम्मी, साग, पालक को साग, ये क्या है, बेसन। तो भाई साग बन रहा है, माय फेवरेट, मैं लेकर आया ना साग। तो गाइस शाम हो चुकी है, खाना बन रहा है, तो अभी खाना बना खाएंगे, खाना बन जाएगा, तो साग बना रही है मम्मी, मैं ही लेकर आया था जब गया था हसनपुर, तो फाइनली अभी खाना खाएंगे थोड़ी देर में। सो गाइस जी आ चुका अपना खाना, साग भाई माय फेवरेट है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और रोटी, तो भाई अभी खाते हैं खाना, उसके बाद चल रहे हैं अपने रूम पे। सो गाइस ये अपना बेड, भाई पहले ना इस पर कलर और था, बट मैंने पूरा एक्सचेंज कर दिया, क्योंकि पूरे रूम में नया कलर हुआ है, तो भाई मैंने बेड का कलर भी चेंज कर दिया, जो डार्क ब्राउन कलर है यहाँ पे था पहले गोल्डन ब्राउन, और जहाँ पे वाइट कलर है यहाँ पे था, नहीं यहाँ पे गोल्डन ब्राउन था, और वहाँ पे ओनली ब्राउन था बीच में, तो भाई मैंने ब्राउन एंड वाइट कर दिया, ये डार्क ब्राउन, तो भाई एकदम मस्त लग रहा था। अभी खींचते हैं, ये इधर सिरियान है, सिरियान रखा हुआ है, तो अभी खींचते हैं सारा। और गाइस ये इसकी पायत भाई, मतलब जब
पायों की तरफ होती है, अभी खींची नहीं है बट खींचूंगा व्हाइट एंड ब्राउन पूरी। मैंने भाई मैंने कलर करा सारे में जो भी है ये सारा, तो अभी खींचते हैं इसको। सो गाइज फाइनली हमारा बेड रेडी हो गया, बट इस पर ना अभी बेड शीट डालनी है, हमें एक गिफ्ट में मिली थी दीपावली पे बेड शीट, तो वाली डालते हैं अभी। तो भाई कमेंट में बताना कैसा लग रहा है हमारा बेड, बट लाइट कम है अभी, लाइट फिटिंग नहीं हुई इसलिए, तो अभी थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है। ओ लाइट गई। सो गाइज आ चुकी है अपनी बेड शीट, बट भाई अभी लाइट गई हुई है, तो अभी वैसे हम डाल रहे हैं इसको फ़ोन की लाइट से। देखो कितनी प्यारी है, ये कलर है भाई इसका, ये गिफ्ट में मिली थी हमें दीपावली पे, तो इस तरह से खुलती है ये तकिया, ये बेड शीट है, तो इसको डालते हैं अभी, जब लाइट आ जाएगी उसको फाइनल लुक दिखा देंगे हम आपको। गाइज हमने डाल दिया भाई बेड शीट जो हमें गिफ्ट में मिली थी, तो भाई ये है, ये नीचे ये वाला डिज़ाइन है और बीच में ये कुछ ऐसा है, उधर भी ऐसा ही है। तो अभी इस पर ना हमें तकिया और डालने, तकिया अभी इसमें रखी है, तकिया का कवर मतलब तकिया कवर भर के जब डालेंगे उसे, ये रह गए देखिए, ये तकिया तकिया रह गई हैं, बस इसकी तरह डिज़ाइन है ये भी, तो ये निकाल के तकिया रखे हैं अभी, उनमें डाल के फिर रखेंगे इस पर। तो गाइज बस यही था, हमने अपना बेड लगा दिया रूम में, ये बेड तो लग चुका है, मस्त लग रहा है एकदम। तो भाई अभी थोड़ा ऐसे ही दिख रहा नाइट में, दिन में मैं दिखाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से। तो अभी रूम में काम रह गया थोड़ा सा, फिनिश करेंगे कल, तो अभी चलते हैं घर पे। तो गाइज मैं आ गया हूँ घर पे अभी, तो भाई अभी दूध पीते हैं उसके बाद चलते हैं सोने के लिए, तो दूध गर्म हो रहा है, ठीक है चल रहे हैं। तो गाइज ये आ चुका अपना दूध, तो भाई दूध पी के चलते हैं सोने के लिए। सो गाइज मैं आ गया अपने रूम पे अभी, तो गाइज ये वाला ब्लॉग करते हैं बैंड। तो गाइज कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताना। गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे आने वाली हमारी हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाए हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइज बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।